तो फ्रेंड्स लग रहे हैं ना बिल्कुल मज़ेदार, और मैंने पहली बार बनाया है और उस हिसाब से काफ़ी अच्छे बन गए हैं। तो चलिए बनाते हैं रसगुल्ले। फ्रेंड्स रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है, और फिर जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो फिर हम गैस को बंद कर देंगे। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा विनेगर। आप चाहें तो इसकी जगह पे नींबू भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फिटकरी का भी यूज़ कर सकते हैं दूध को फाड़ने के लिए। और फिर आप इसको चलाते रहिए थोड़ी देर तक। फिर ये धीरे धीरे लग रहा है कि अगर नहीं फट रहा है तो हम थोड़ा सा विनेगर इसमें और ऐड करेंगे, और फिर इसको हल्का सा चला करके छोड़ देंगे। और 2-3 मिनट के बाद ही जो दूध है ना वो फट जाएगा और जो सारा छेना है वो इससे अलग हो जाएगा। अभी इसमें छेना जो है वो धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विनेगर और ऐड कर रही हूँ। और अब आप देख सकते हो कि जो हमारा ये छेना है वो फट गया है। तो अब हमें इसे फटाफट एक मलमल के कपड़े में छान लेना है, नहीं तो जो हमारा छेना है वो हार्ड हो जाएगा। तो इसको फटाफट इस तरीके से छान करके और फिर इसको अब ठंडे पानी से हमें फटाफट इसको धो लेना है, जिससे कि उसके अंदर जो विनेगर का जो खट्टापन है वो सब अच्छे से निकल जाए। और फिर अब हमें इसको निचोड़ निचोड़ करके जो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेना है। हमें इसको पनीर में नहीं कन्वर्ट करना है, बस इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल लेना है। फिर हम इसको अपने हथेली से इस तरीके से रगड़ रगड़ करके सॉफ़्ट कर लेंगे, जो इसके बड़े बड़े टुकड़े थे ना उनको एक स्मूथ टेक्सचर में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि ये बॉल बनाने के लायक हो जाए। इसको अच्छे से हमें अपने हथेली से रगड़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है कि इसके अंदर का ऑयल निकल आए। बस खाली हमें इसको सॉफ्ट एक डो के शेप में कन्वर्ट करना है, जिससे कि बॉल बनने जैसा हो जाए। और अब ये आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट सा हो गया है, बिल्कुल आटे की तरह। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच जितना मैदा ऐड कर रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल एक सॉफ्ट और बिना विदाउट क्रैक्स वाला एक बॉल फॉर्म हो जाए। तो इसको भी हमें अच्छे से मिला लेना है। फिर अब एक बराबर इसमें से लोइयाँ तोड़ करके हम जो हमारा रसगुल्ला है उसको शेप दे देंगे। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसमें कोई भी बड़े बड़े क्रैक्स नहीं आए हैं, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक बना है। अगर क्रैक्स आ जाते तो इसका मतलब है कि फिर जो हमारा छेना है वो सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो 1 लीटर दूध में सिर्फ ये 9 बॉल्स बनी हैं, और यहाँ इनके लिए मैंने 1/2 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी ले लिया है, और चीनी से 3 गुना पानी ले लिया है, क्योंकि छेना को उबालने के लिए हमें पानी ज़्यादा लगेगा। अब मैंने एक खुले बर्तन में पानी को डाल दिया और जो चीनी थी उसको भी डाल दिया। जो हमारा रसगुल्ला होता है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, इसलिए हमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें चाशनी बनानी है। बस हमें चीनी के घुल जाने तक का इंतज़ार करना है, और जब पानी हमारा उबलने लग जाएगा या चाशनी हमारी बस उबाल आएगी, तभी हम जो अपने सारे छेने हैं ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब देख सकते हो अभी तो ये छोटे साइज़ के हैं, लेकिन अब ये बॉईल होने लग जाएंगे ना तो फिर ये जस्ट इनसे डबल साइज़ के हो जाएंगे। और अब मैं इनको ढक दूंगी, हमें इनको ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए उबलने देना है। ढकने से क्या होता है, झाग ऊपर बनती है तो ये हर तरफ से एक बराबर बनते हैं। और आप देख सकते हैं जो हमारा छेना है ना वो मैं बार बार छेना बोल रही हूँ सॉरी, जो हमारा रसगुल्ला है ना वो अब कितने बड़े हो गए हैं, अपने साइज़ से जस्ट डबल हो गए हैं। और मुझे लग रहा है कि जो ये बर्तन है ना वो छोटा पड़ रहा है, मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत लग रही है। तो मैं इसको चेंज कर दूँगी एक दूसरे बर्तन में, और अब इसको ढक करके हमें फिर से 3 से 4 मिनट पकाना है। और ये जो पानी ऊपर उबल करके आ रहा है ना, इससे जो हमारा छेना है वो हर साइड से बिल्कुल इक्वल पकेगा। और आप देख सकते हो कि जो हमारा छेना है लगभग डन ही हो गया है, बस 1-2 मिनट इसको और पकाने की ज़रूरत है। और हम एक बार इसको चेक कर लेंगे, अगर छेना इस तरीके से दबाने के बाद वापस अपने शेप में आ जाए तो इसका मतलब है कि ये पक गया है। गर्म बहुत है इसलिए भाई ध्यान से करें, नहीं तो पता चलेगा कि उंगलियाँ जल जाएंगी। तो बस 1-2 मिनट की जो कसर रह गई थी वो मैंने इसको इसमें डाल दिया है, और अब ये देख सकते हैं आप पक गया है। गैस मैंने बंद कर दी है और जो हमारा छेना है वो बन करके तैयार हो